वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ पंकज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन। एक्चुअली क्या है, ये जो टॉपिक है, जो आपने थंबनेल देखा होगा, जितना अट्रैक्टिव ये लग रहा है, जितना इंटरेस्टिंग ये लग रहा है, उससे ज्यादा ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अपनी बॉडी के बारे में जो नॉर्मली सोसाइटी के अंदर होता है, जो जितने भी सोशल प्रोसेस होते हैं, जितने भी लोग आपस में मिलते हैं, उस टाइम पे जो बॉडी के अंदर केमिकल चेंज होते हैं, वो सारा सब कुछ समझने को मिला होगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को पूरी देखना समझना। मैं एश्योर करता हूँ कि ये चीजें आपको नहीं पता होगी, ठीक है? तो आप जो भी मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर कोई भी एक रैंडम पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को पूरी देखना और समझना कि ये चीजें क्या होती है, ठीक है? तो सबसे पहले दैट इज लव हार्मोन। लव हार्मोन क्या होता है कि कभी भी जब आप अपने प्यारे के बारे में, लव्ड वंस के बारे में, या फिर किसी के बारे में जिसके साथ में आपका अटैचमेंट है, जब उसके बारे में आप सोचते हो, या फिर उसके साथ में आप मिलते हो, या फिर आप उसको हग करते हो, या फिर आप उसको किस करते हो, या फिर कुछ भी, उस टाइम के ऊपर जो शरीर के अंदर, जो ब्रेन के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है, नाम है उसका ऑक्सीटोसिन। ये जो हार्मोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए बॉन्डिंग हार्मोन, कडलिंग हार्मोन भी कहते हैं। जब एक दूसरे से अपन मिलते हैं नॉर्मली कभी भी, तो उस टाइम पे या फिर किसी बार में सोच पीते हैं, तो उस टाइम के ऊपर ये हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है? अब मान के चलिए, अगर आप किसी भी आपके पार्टनर के साथ में या फिर फीमेल के साथ में मिलते तो ये रिलीज होता है। अच्छा, ये चीज दोनों के अंदर पाई जाती है, मेल हो या फीमेल हो, आदमी हो या औरत हो। औरत के अंदर ये ज्यादा पाई जाती है, आदमी के अंदर ये थोड़ी कम पाई जाती है। इसीलिए एक औरत होती है, एक लड़की होती है, वो अपने पार्टनर के साथ में ज्यादा तरीके से इमोशनली अटैच होती है, स्ट्रोंगली अटैच होती है एज कंपेयर टू द मेल। यानी कि जो मेल पार्टनर होता है वो कम अटैच होता है अपने पार्टनर के साथ में एज कंपेयर टू द फीमेल। यानी कि जो हार्मोन ज्यादा मेनली पाया जाता है किसके अंदर, फीमेल के अंदर। आदमी के अंदर भी पाया जाता है ऑक्सीटोसिन। बहुत सारे लोगों को ये ऐसा मिसकंसेप्शन है कि ये जो हार्मोन होता है ये मेनली फीमेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, बट ऐसा नहीं होता है, आदमी के अंदर भी ही प्रेजेंट होता है ये, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताना चाहूंगा कि ये चीजें कैसे होती है अपने शरीर के अंदर, ठीक है? मान के चलिए कि एक आदमी है, वो आदमी और एक औरत है, या फिर एक लड़का है या एक लड़की है, मान के चलिए उनकी शादी तय हुई, ठीक है? यानी कि वो शादी होने वाली है, तो शुरुआत की जो अर्ली फेज होती है, यानी कि जो एंगेजमेंट होने के बाद शादी तक का वो जो 2-4 महीने 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर नॉर्मल उनकी बातें शुरू होंगी, ठीक है? नॉर्मली उनकी बातें शुरू होने लग जाएंगी कि भाई कैसे क्या अपनी लाइफ की सारी प्लानिंग वगैरह करेंगी। उस टाइम के ऊपर जो उन दोनों को अटैच करवाने का काम करता है, दैट आर 3 मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, दैट इज सेरोटोनिन, ठीक है? दैट इज सेरोटोनिन होता है, डोपामीन होता है और नोरएपिनेफ्रिन होता है, ठीक है? ये जो 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं शुरुआत की अर्ली फेज के अंदर एक फीमेल को और मेल को आपस में बॉन्ड रखने के लिए, जो वो एक्साइटमेंट लेवल पे उन्हें लेके जाते हैं। यानी कि ये जब 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी के अंदर जब रिलीज होते हैं, ब्रेन के अंदर जब रिलीज होते हैं, तो इनका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि ये जो दिमाग की जजमेंट पावर होती है ना, उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तभी आपने देखा होगा एक सोसाइटी के अंदर जब एक लड़का एक लड़की भाग जाते हैं कभी भी दुनियादारी को छोड़ कर, वो कस्मे वादे खाते हैं लंबे वादे, तो याद रखना उस टाइम पे उसके दिमाग के अंदर, दोनों के अंदर ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्रीज हुए रहते हैं, नोरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन। जब ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स दिमाग के अंदर इंक्रीज रहते हैं, तो सही और गलत का जो दिमाग की कैपेबिलिटी होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं, प्लस में उसको बंद कर देते हैं ना, जिसकी वजह से सही गलत का पता नहीं रहता और वो बस सिर्फ ये सोचते हैं कि प्यार ही सब कुछ है, जो कि उस टाइम के ऊपर वेरी मच नॉर्मल फॉर देम, ठीक है? देन उसके बाद में थोड़े से दिन बाद में शुरुआत के अर्ली फेज के अंदर क्या होता है कि अगर मैं आपको जो एग्जांपल बताता हूँ वापिस उस स्टेज के अंदर लेके जाता हूँ, वापिस उस एग्जांपल के अंदर लेके जाता हूँ कि जब तक उनकी शादी नहीं होती है, उस शादी के नहीं होने से पहले तक के जितने भी 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो ये होते हैं जो उनको कॉन्टिन्यूसली बॉन्ड करके रखते हैं।
जब उनकी शादी हो जाती है तो इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिजल्ट क्या होता है कि एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, जो उसकी पार्टनर होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये प्रेग्नेंट हो रही है, ठीक है, कौन, फीमेल। अब ये जो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, इसके प्रेग्नेंट होने के बाद में क्या रिलीज होने लग जाता है, मैक्सिमम ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये जो हॉर्मोन है, ये हॉर्मोन कंटीन्यूअसली रिलीज रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, यानी कि जो मेल है और फीमेल है दोनों के अंदर, मैक्सिमम के अंदर क्या होता है कि फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल रिलीज होता रहता है, बाकी आदमी के अंदर भी रहता है। पर ये चीज शुरुआत की जो अर्ली फेज होती है, इन तीनों को तो बॉन्ड करवाता है कौन, ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स। बाद में क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन कंटीन्यूअसली रिलीज रहता है, जो एक दूसरे को क्या करता है, बॉन्ड करके रखता है। अब देखो लाइफ की आयरनी देखो आप कितनी खतरनाक वाली है, सभी को पता है अगर ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स दिमाग के अंदर इंक्रीज है तो सही और गलत के बारे में पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से लिविंग जो होती है इंसान की नॉर्मली वो कैसे चलेगी, क्योंकि इनकम जो होती है, अगर पूरा फोकस एक आदमी पूरे इन तीनों के ऊपर दे के वजह से एक फीमेल के ऊपर दे देगा तो भाई घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स डिक्रीज होंगे तभी तो जो और जिंदगी में गोल्स होते हैं लाइफ के उनके ऊपर फोकस होगा। तो सिर्फ उन फोकस को करवाने के लिए इनका लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है और ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो अटैचमेंट होता है यानी कि बॉन्डिंग हॉर्मोन होता है तो उसका इंक्रीज होता जाता है। एक पर कई बार क्या होता है कि मेल हो या फीमेल हो, मेनली आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, जो शुरुआत की अर्ली फेज हो, जो अभी मैंने बताया आपको ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स इस फेज के एडिक्ट हो जाते हैं, यानी कि इनके अंदर मजा आने लग जाता है कि भाई हाँ ठीक है बस मुझे यही फेज चाहिए। वो ऐसा नहीं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फीमेल के साथ में धोखा नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि मैं मेरी फीमेल पार्टनर को या फिर मेरी वाइफ को मैं धोखा नहीं दूं, बट फिर भी वो इस फेज के एडिक्ट हो जाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा मराइटल अफेयर्स, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, समटाइम्स फीमेल भी आजकल तो फीमेल भी एडिक्ट हो जाती है इस फेज की, जिसकी वजह से वो शादी के बाद भी किसी और के साथ में अफेयर रखने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, प्लस में मेल के भी अगर वो एडिक्ट हो जाता है तो ज्यादा हो जाते हैं। बट ऑक्सीटोसिन का लेवल फिर भी कंटिन्यूस नहीं रहता, वो अपने पार्टनर को मतलब ये हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी जो इसके अंदर मेनली पाई जाती है। बाकी इसके अलावा क्या होता है कि भाई ऑक्सीटोसिन जो लेवल होता है वो कंटिन्यूअसली रिलीज होता रहता है और वो निकलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक मेल और फीमेल होता है, एक आदमी और एक औरत होता है, एक हस्बैंड और एक वाइफ होता है, वो क्या करते हैं आपस में कनेक्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत कुछ और भी होता है, ये एक फीमेल के अंदर मिल्क इजेक्शन का भी काम करता है, डिलीवरी के बाद में जो फर्स्ट टाइम मिल्क इजेक्ट करवाया जाता है, सकलिंग जो रिफ्लेक्स होता है एक बच्चे का मदर के द्वारा जब निप्पल को सक करता है तो उस टाइम के ऊपर ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो मिल्क बाहर आता है, प्लस में डिलीवरी के टाइम के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस का, जिसकी वजह से बच्चा भी बाहर आता है। तो दिस इज द नॉर्मल अट्रैक्शन, नॉर्मल फिजियोलॉजी किसके रिगार्डिंग द ऑक्सीटोसिन के बारे में, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक बच्चे का, एक माँ का जो बॉन्ड होता है वो भी ऑक्सीटोसिन ही करवाता है, जो कि बहुत रोल, मेजर रोल प्ले करता है इमोशनल अटैचमेंट के लिए। बाकी नॉर्मल जो ऑक्सीटोसिन लेवल होता है, याद रखना क्या ऑक्सीटोसिन हमेशा अफेक्शनेट लव करवाता है, अफेक्शनेट यानी कि अफेक्शन शो करेगा, ठीक है, अफेक्शनेट लव करवाता है। और बाकी इसके अलावा जो नोरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये क्या करवाते हैं, पैशनेट लव करवाते हैं, यानी कि पैशन के साथ में बिल्कुल सब कुछ भूल के प्यार करवाना, वो तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम होता है। कौन सा, नोरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन, ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स मेजरली रोल प्ले करते हैं। तो ये वीडियो यहाँ तक थी, आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और आपको कुछ अच्छा पता चला होगा अपने शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में। अगर ऐसी डेली मेडिकल वीडियोस चाहिए, जो कि मैं रेगुलर डाल रहा हूँ, आने वाले टाइम में और भी डालूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एक लाइक बटन जरूर दबा के जाना, और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं डेली और भी मेडिकल वीडियोस प्लस में एनालिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूँ और आगे भी डालूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मेडिकल वीडियो के लिए, टिल देन सभी को नमस्कार।